हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्कआउट है, चैप्टर 5, जिसमें 1 to 5 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 13 जुलाई को क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है, और इस चैप्टर में आप सभी बच्चे लर्न कर रहे हैं नंबर्स अप टू 1000, जिसमें आप सभी बच्चों ने कंपेयरिंग द नंबर्स एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर्स और साथ में लर्न किए हैं नंबर्स नेम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर राइट एनी 5 नंबर्स बिटवीन 900 एंड 920। तो बच्चों 900, 901, 902 हम चाहे उनको सीरीज में लिख दें और या फिर हम कोई भी एनी 5 नंबर्स इनके बीच के लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 901, 902, 903। अब इसी प्रकार से 911, 912, 913, 917 जो भी आप लिख सकते हैं वो आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई भी बाउंडेशन नहीं दी। लेकिन अब आपको जैसे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब इन्हीं को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग में तो आपने लिख दिया 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 809, 1010। ठीक है, अब इनको अगर डिसेंडिंग में लिखना है तो आप लिखेंगे 910, 909, 908, 907, 906। इस तरीके से आप लोग एनी 5 नंबर ले सकते हैं, एनी कोई भी जो आपको। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो नंबर्स 900 और 920 के बिटवीन नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप इसी प्रकार से बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 7, 0 एंड 6। यहाँ पर 3 डिजिट दी हैं और आपको ये 3 डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। ठीक है, कैसे हम बना सकते हैं, फॉर्म करेंगे। अब याद रहे बच्चों की 3 डिजिट, सपोज देन आपने 0 पहले लिख दिया तो आपके पास डिजिट ओनली 2 रह जाएंगी। इसलिए 0 की वैल्यू हमेशा नंबर के बाद लिखने से होती है। अगर आपने 0 लिखा है पहले, बाद में नंबर है, इट मीन्स इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि 0 से पहले कोई नंबर लिखा है तो उस 0 की वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 706। ओके, अब 706 706 पढ़ सकते हैं और दूसरे इसको अगर स्मॉलेस्ट नंबर बदलते हैं तो 607 कीजिए, ये स्मॉलेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या दिख रहा है, 7, फिर इसका सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर 60 और लास्ट में आप 0, क्योंकि आपने 0 लिखने से पहले 2 नंबर्स लिखे, इट मीन्स इस 0 की वैल्यू है, यानी हम इसको पढ़ेंगे 760। ओके, और अगर इसी प्रकार से स्मॉलेस्ट लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, तो अब 706 में स्मॉलेस्ट नंबर 0 नहीं है, 6 है। ओके, क्योंकि अगर आप 0 पहले लिख देंगे 067 तो वो सिर्फ 2 डिजिट की नंबर कहलाएगी। ओके, वो सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही होगा, इसलिए आपको 3 डिजिट नंबर लेने के लिए पहले 6 देन 0 देन 7 और स्मॉलेस्ट नंबर होगा 607। राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 990 एंड 1000। तो बच्चों यहाँ पर इवन नंबर आप लोग लिखिए, 990 लिखा है तो लिखिए 992, 994, 996, 998 और 1000। ओके, तो इस तरीके से ये जितने भी इवेन नंबर्स हैं आप सब लोग अपने नोटबुक में या बुक में ही फिल करिए। इसके बाद जब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो उसको आप नोटबुक में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 900 to 1000 काउंटिंग दी है। ओके, नो डाउट अभी जो हमने एक्सरसाइज कराई है तो उसमें भी आप देख सकते हैं 990
और 999 तक है यहाँ पे, और इसके बाद क्या आता है 1000 आ जाती है फोर डिजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पर ये जो आपको दिया है फिल इन द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड एंड हेल्प द बनी टू रीच द करेक्ट, टू रीच द कैरेट। कैरेट मतलब यहाँ पर बनी एक जो रैबिट है उसको आप हेल्प कीजिए और कैरेट तक उसे पहुँचाइए। कैरेट कहाँ, ये देखिए कैरेट है ना, यस। अब इनसे सही काउंटिंग लिखिए, 933 934 935 936। इसी तरीके से पूरे आप काउंटिंग लिखेंगे और ये काउंटिंग होगी आपकी 990 तक, 999, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए जैसे 51 दिया तो 51 के बाद 52 53 54 इस तरीके से 951 952 956। ओके, ध्यान देना है यहाँ सीरियल से नहीं है कि आप कुछ भी लिख जाइए, ओके। बस ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर चले हैं, फिर यहाँ पे 941 है, 42 है, तो आप यहाँ 42 से लेकर के 950 तक आइए, फिर 50 से 51 से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर आएंगे 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और ये आएगा 961, और फिर 61 से आप फिर से आएंगे 70। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके। यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ से 940 50 के 60 आए फिर 60 से 7, नो। इसमें आपको कैसे करना है, जैसे भूल भुलैया इधर गए फिर आए फिर वापस गए फिर इस तरीके से आना है, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए रैबिट को और कैरेट तक पहुँचाइए, जो यहाँ पर करेक्ट नंबर है उन्हें आप फिल करेंगे, ओके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।